अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हमदर्द के ओजोनैन का रिव्यू और ये एयर ड्रॉप्स हैं, तो देख लेते हैं ये किस तरह के एयर ड्रॉप्स होते हैं और इसके फायदे क्या क्या हैं, ये जान लेते हैं सब। जी तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं हमदर्द की ओजोनैन और कन बुंदे इसके ऊपर लिखा हुआ है और इंग्लिश में आप इसके ऊपर देख सकते हैं ओजोनैन एयर ड्रॉप्स, और 15 ml की ये पैकिंग है। उसके अलावा इसको देख लेते हैं अंदर से, और कीमत इसकी मैं आपको बताता चलूँ, 70 रुपये इसकी कीमत है, जो कि बिल्कुल कुछ भी नहीं है। जितने इसके फ़ायदे हैं मैं आपको फ़ायदे भी इसके बताऊंगा। ये देखें, इस तरह की ये ड्रॉप्स हैं, यहाँ पर से इसको ओपन करके, सील ओपन करके आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब अगर ओजोन एंड ड्रॉप्स के फ़ायदे की बात करते चलें तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद एयर ड्रॉप्स हैं और इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं। यानी कि ये कान की सूजन हो, कान का दर्द हो, कान में मैल हो, या फिर समात का प्रॉब्लम हो, सकल समात यानी कि जो समात डिस्टर्ब होती है, कम सुनाई देता है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा भी काफ़ी इसके फ़ायदे हैं, कान में जिस किस्म का इन्फेक्शन हो, कान बह रहे हों, तो उसमें ये बहुत मुफीद है। और इसके अलावा अगर किसी को कनफेड़ है उसमें ये फ़ायदेमंद नहीं है, और ओजोनैन से वो ठीक नहीं हो सकता। और उसका मैं बता देता हूँ वो किस चीज़ से ठीक होगा। वो एक बाठा नाम की एक चीज़ होती है, वो वाइट कलर की, वो आपको कहीं किसी भी पंसार स्टोर से मिल जाएगी, या आप मुझसे रब्ता कर लीजिए, मैं आपको भेज दूंगा, वो ऑनलाइन डिलीवर करवा दूंगा। अगर किसी को नहीं मिल रहा हो कहीं से, वैसे पंसार स्टोर से इजीली मिल जाता है बाठा, आप कहकर तलब करेंगे तो मिल जाएगा। और उसको वो कान पर उसको रगड़ना होता है, जैसे मसाज नहीं कर रहे होते वैसे उसको बट्टा सा वो होता है, उसको मसलना होता है, जैसे कान की हदूद जितनी होती हैं उधर आप मसलेंगे तो वो आपको फ़ायदा देगी कनफेड़ में। और वैसे अगर आपको कान का कोई भी इन्फेक्शन है, जैसे कि मैंने सारे मसले मसाइल बताए, तो उसके लिए ये ओजोनैन बेस्ट है। वैसे भी आपको ये इस्तेमाल करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके जो कान में है वो मैल हो जाता है, क्योंकि डस्ट वगैरह या कोई ऐसी वजूहत होती हैं वो आपके कान में जमा होती रहती हैं, जिसकी वजह से वो फिर कान से रिलेटेड इन्फेक्शन या कोई मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं। तो इसको 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद या 2 महीने बाद आपको इस्तेमाल कर लेना चाहिए और सफाई वगैरह कर लेनी चाहिए आपकी अपने कान की। अब तरीका इस्तेमाल मैं आपको बताता चलता हूँ कि इसे आपने कैसे इस्तेमाल करना है। तो आपने करवट लेके लेट जाना है और आप डाल लें खुद, या फिर किसी को कह दें कि आपके कान में इसके 5 कतरे तकरीबन डालने हैं, और दिन में 2 दफ़ा ये इस्तेमाल करना है आपने। कतरे डाल के उसके बाद आपने 1-2 मिनट इसको वैसे ही रहने देना है ताकि वो अंदर चली जाए दवाई, और उसके बाद फिर आपने इसको कॉटन बड से लगा देनी है, वहाँ पे कान में लगा देनी है, यानी कि रुई लगा देनी है आपने कान में, ताकि ये आपके अगर खुदा न खास्ता बाहर भी निकल रही है तो वो आपका कोई नुकसान हो, कपड़े ना भरें, तो इस सूरत में आपने इसको कॉटन से महफूज कर लेना है। और उसके बाद इंशाल्लाह आप देखिएगा कि चंद दिनों में ही आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसका। और अगर व्यूअर्स आप ये परचेज करना चाहते हैं तो नीचे दिए लिंक पर क्लिक करके आप ये डायरेक्टली परचेज भी कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर मेरा व्हाट्सएप नंबर भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। इससे अलावा भी कोई मसले मसाइल हैं आपके तो वो डिस्कस कर सकते हैं मुझसे। उसके अलावा अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए, उसके अलावा बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।